पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो मैं आपको एक चीज कह दूं, आप ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। ये दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आपके कद्दावर नेता मनीष सिसोदिया के बोल है। पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है। मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि दिल्ली के सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब के सीएम उम्मीदवार होंगे। मनीष ने मोहाली की रैली में यह दावा किया है। और मैं आपको एक चीज कह रहा हूँ, पंजाब को नशा मुक्त बनाना है, पंजाब को रोजगार, पंजाब की फैक्ट्रियां ठीक करनी है, पंजाब के किसानों का हाल ठीक करना है, पंजाब के गांवों का हाल ठीक करना है। और मेरे मैं आपसे गारंटी देके जा रहा हूँ, ये सारा काम आपके लिए अरविंद केजरीवाल करवाएंगे। पंजाब, अभी ये भाई पूछ रहे थे पंजाब का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो मैं आपको एक चीज कह दूं, आप ये मान के चलो कि पंजाब का मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल बनने वाला है। सही बोल रहा हूं आपको, जो भी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिम्मेदारी है कि जो वादे आपसे करके जाए वो पूरे करवाएंगे। ऐसे ही छोड़ देंगे पंजाब को किसानों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए, व्यापारियों के लिए, छात्रों के लिए, गांव वालों के लिए, जितने वादे कर रहे हैं पूरे के पूरे वादे पूरा करवाना, अरविंद केजरीवाल पूरा करवाएंगे आपके बीच में। मैं जरूर गारंटी देता हूं इस बात। आप तो ये समझ के वोट दो कि आप अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दे रहे हो, आपका वोट अरविंद केजरीवाल के नाम है पक्का। कौन कौन लोग सहमत है इस बात से? तो सुन लिया ना आपने, सिसोदिया के इस बयान से एक बात तो साफ है कि आप पंजाब चुनाव केजरीवाल का चेहरा आगे कर लड़ रही है। अब सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया के इस बयान को एक हिंट के तौर पर लिया जाए। हालांकि सिसोदिया ने बड़ी चतुराई से ऑप्शन जनता के सामने रख दिए हैं। जो केजरीवाल दिल्ली को संभाल नहीं पाए और दिल्ली में जिनके रहते हुए कूड़ा ही फैलता रहा, वो अब भला पंजाब का कैसे भला करेंगे, ये बड़ा सवाल होगा। साथ ही पंजाब में आज तक गैर सिख कोई मुख्यमंत्री कभी बना नहीं, ऐसे में जनता भी केजरीवाल का चयन कैसे करेगी, सवाल ये भी बड़ा होगा। और दिल्ली की जनता को केजरीवाल कौन सा चेहरा दिखाएंगे जिससे चुनावी वायदे किए थे और वो सब छोड़ दूसरे राज्य के सीएम का सपना पालने लगे। NMF न्यूज की रिपोर्ट।